दोस्तों, 10 साल के लंबे इंतजार के बाद अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र फिल्म आ चुकी है। तो क्या इस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं? क्या ये फिल्म पूरी पैसा वसूल है या नहीं? क्या ये फिल्म सच में बॉलीवुड को एक नई पहचान दे रही है? तो इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों ही है। मतलब ये फिल्म अपने VFX और BGM के मामले में बहुत सही थी, लेकिन वहीं पे अपनी स्टोरी के मामले में फुस हो गई। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस फिल्म का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मास्त्र तो कहीं से था ही नहीं, बल्कि लवास्त्र था। और जिन लोगों के मन में ये था कि ये फिल्म एकदम फारू होगी, बॉलीवुड को एक अलग पहचान देगी, इस बार बॉलीवुड कुछ अलग और कुछ अलग दुनिया की बातें दिखाएगा, तो ये सब बस कुछ हद तक ही सही है। थोड़ी ही दूर आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। उसके बाद इस फिल्म में अलग दुनिया की स्टोरियां नहीं बल्कि लव स्टोरियां दिखाई जाएंगी। और ये फिल्म ये पूरा साबित करता है कि बॉलीवुड इससे परे कुछ सोच ही नहीं सकता कि इनका अंत से आरंभ तक प्रेम कहानी ही अस्तित्व है। इनकी तो माइथोलॉजी भी प्रेम कहानी ही है। और इसी प्रेम कहानी को बिल्डअप करने में अयान मुखर्जी को 10 साल लग गए। लेकिन फिर भी ना तो ये ढंग से ब्रह्मास्त्र बन पाई और ना ही लवास्त्र बन पाई। वैसे इस फिल्म के रिलीज होने से पहले अयान मुखर्जी ने बताया था कि उन्हें अस्त्रों में बहुत इंटरेस्ट है, उन्होंने खूब रिसर्च करके ये फिल्म बनाई है। लेकिन उनकी रिसर्च तो कहीं भी इस फिल्म में नजर ही नहीं आती है, क्योंकि ना तो इस फिल्म में एक भी अस्त्र को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और ना ही उसको अच्छे से दिखाया गया है। बस ये बताया गया है कि इतने अस्त्रों की मौजूदगी है इस दुनिया में, और वो भी इस फिल्म के स्टार्टिंग में ही बताया जाता है। उसके बाद आता है SRK का कैमियो, जो कि इस पूरे फिल्म का बेस्ट सीन था। वहाँ पे ये लगता है कि ये फिल्म कुछ अलग ही परोसने वाली है, जो इससे पहले कभी देखी नहीं गई होगी। लेकिन उस 15 मिनट के बाद ये फिल्म जो अपना रुख बदलती है और वहीं से इस फिल्म के लग जाते हैं, क्योंकि वहीं से तो शुरू होता है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का प्यार, इश्क, मोहब्बत, जिसके वजह से ये दुनिया है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और इन लोग को प्यार भी इतनी जल्दी है, मतलब क्या है, कुछ भी। उस सारे सीन्स में ऐसा लगता है कि सब कुछ जबरदस्ती का थोपा जा रहा है, उनकी केमिस्ट्री से तो कुछ फील ही नहीं होता है। बस बीच बीच में ऐसा दिखाया जाता है कि जब भी ईशा शिवा से मिलती है तो शिवा के अंदर की जो अग्नि अस्त्र है वो जाग जाती है। और तो और जब भी ब्रह्मांस के लोग खतरे में होते हैं तो फिर उसको सपने आने चालू हो जाते हैं, उसे दौरे आने लगते हैं। और इसी सपने की वजह से वो लोग मिलते हैं नागा अर्जुना से, जो कि खुद एक नंदी अस्त्र है इस फिल्म में। सहस्र नंदिन समर्थ्यम हे नंदी अस्त्रम खंड खंड गुरु। और उसको मार के ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा लेने आती है खुद मौनी रॉय, जो कि अपने ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से दुनिया में अंधकार कायम करना चाहती है। हमारा सिर्फ एक मकसद, ब्रह्मास्त्र। उनका एक पावरफुल इम्पैक्ट था पूरे फिल्म में, और वो जब बहुत जगह चीखती चिल्लाती थी तो ऐसे नागिन वाली फील भी आती थी। इस फिल्म को जब आप लोग देखोगे तो आप लोग को लगेगा कि ये सारे सीन ट्रेलर में ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। और जब भी ये फिल्म उस जगह पे आता था जहां आप लोग को लगता कि हाँ अब मूवी में कुछ अलग देखने को मिलेगा, अब यहां से मूवी एकदम सीरियस हो जाएगी, वहीं पे रणबीर कपूर की सुई एकदम उल्टी घूमती थी और वो सीधा के ईशा पे खत्म होती थी। उसको तो ब्रह्मास्त्र से कोई लेना देना ही नहीं था, उसको तो बस अपने प्यार ईशा के साथ रहना था। और जब भी रणबीर और आलिया साथ होते थे इस फिल्म में आग का खेल शुरू हो जाता था और वहीं पे एक गाना चालू हो जाता था, जो कि एकदम बेवजह और फालतू के गाने थे। वो गाना नहीं भी होता तो मूवी का कुछ उखाड़ नहीं पाता, और होके भी कुछ उखाड़ नहीं पाया। ये फिल्म ओवरऑल ठीक ठाक ही थी, लेकिन हाँ इस फिल्म के लास्ट में जो फाइटिंग सीन दिखाया गया है वो एकदम सही था। हाँ लव स्टोरी को हटा दिया जाए तो अच्छी कह सकते हैं, बाकी ये फिल्म अपने स्टोरी और लव स्टोरी दोनों ही में जितनी फिसड्डी साबित हुई है उतनी ही अच्छी अपने VFX और BGM के मामले में है। और इस फिल्म में सबसे अच्छा कुछ था तो वो SRK और नागा अर्जुना का रोल था, दोनों ही ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया था। उन दोनों के सीन इस फिल्म में देख के मजा आ जाएगा। बाकी ये
फिल्म बॉलीवुड को एक अलग वे में रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो टिपिकल बॉलीवुडिया हरकत अगर बंद कर दे तो ही ऐसी मूवी अच्छी बन सकती है। वेल, इस फिल्म के अंत में ये बता दिया जाता है कि इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, जो कि शिवा के माँ बाप यानी देव और अमृता के प्रेम कहानी पे बेस्ड होगा। लेकिन वो सिर्फ प्रेम कहानी तक ही सिमट के नहीं रह जाए, वो कुछ और भी दिखाए तो ही मजा आएगा और उस सेकेंड पार्ट का मतलब भी बनता है। और अगली बार अगर अयान मुखर्जी फिर से 10 साल का समय नहीं ले इसके सेकेंड पार्ट बनाने में, तो ही इसके डायलॉग भी अच्छे होंगे, अदरवाइज इसी फिल्म की तरह फालतू से होंगे।